आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 20वें बाप की 19वीं आयत से सुनेंगे। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने उनसे कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से यानी तोमा और दीमस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उनसे कहा कि हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली डालकर देख ना लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि खुदावन यीशु मसीह इब्ने इंसान है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। उसी खुदावन में मेरे अजीज भाई बहनों बुजुर्गों अजीज साथियों, आज हमारी जिंदगी में हमारे खानदानों में उस दिन को याद किया जाता है जब हम अपने जाती जिंदगी में खुदा के रहम का तजर्बा करते हैं। जब खुदा के रहम के तजर्बे का जिक्र किया गया है तो आज एक बार फिर हम इस बात पर गौरवोस करते हैं कि हम सब खुदा के घर में ईश्वर की खुशियां मनाने के बाद 8 रोज बाद फिर निकलते हुए हैं। लेकिन जब ये 8 रोज के सफर को गिना जाता है तो चर्च इसे बड़ी शादमानी के साथ मनाता है। वो हमारे यहाँ पर मॉर्निंग मासेस नहीं होती, लेकिन जब हम इसकी रोजमर्रा की तलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं तब हमें पता चलता है कि यीशु 8 दिन तक मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर होता रहा। और आज की हमने जिले मुकद्दस में भी सुना है कि 8 रोज के बाद शाम के वक्त यीशु शागिर्दों को दिखाई दिया। जब ये 8 रोजा दिन का जिक्र किया जाता है तो अगर आपको याद हो तो यहूदी रवायत के मुताबिक 8 रोज बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे हैकल में नजर किया जाता है। दूसरी रवायत इस बात की शहादत देती है कि 8 रोज बाद
यसु ने अपना जलाल पूरी दुनिया में जाहिर किया है। वो जब ईस्टर की मॉर्निंग यसु जी उठा, अमाउस में जाते हुए शागिर्दों को मिला, फिर दूसरे मकाम में वो कुछ खवातीन को माली की हैसियत से नजर आया, फिर एक जगह पर वो अपने शागिर्दों के साथ मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दिया, और आज एक बार फिर अपने शागिर्दों पर सुबह के वक्त जाहिर होता है, ताकि उनमें इस ईमान का प्रचार हो सके कि यीशु दर हकीकत जी उठा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ईस्टर मनाते हैं तो ईस्टर का लफ्जी मायने ही ये है कि नई जिंदगी। जब नई जिंदगी की बात की जाती है तो नई जिंदगी की जमानत और नई जिंदगी की तस्दीक भी बहुत जरूरी है। अब वो जरूरी कैसे होगी, आज की पहली तिलावत में हमने सीखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह तौर पे भी बयान कर देते हैं कि यीशु अगर मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है। लेकिन रसूलों के अमाल में हमने रसूलों के किरदार को देखा है कि जब वो यीशु के साथ रहे तो वो कुछ बातें कुछ काम सीखते रहे, जिनमें दुआ करने का तरीका कि इकट्ठे होना है, कमरा बंद करना है और वहाँ दुआ करनी है, और दुआ में वो खुदा की उस मौजूदगी को देख सकते हैं। लेकिन आज जो शागिर्द इकट्ठे नजर आए हैं, ये दुआ के लिए नहीं इकट्ठे, बल्कि ये खौफ के साथ इकट्ठे हैं। और रसूलों के माल से हमें इन शागिर्दों का वो किरदार नजर आता है जहां पर ये खौफ ज्यादा नजर आते हैं। अब खौफ इनको किस बात का है, जब तक यीशु इनके साथ था तब ये हीरो बने हुए थे, जब यीशु के साथ चलते थे तब इनको खाने के लिए भी मिलता था, जब यीशु इनके साथ था मौजज़े भी हो जाते थे, मुर्दे भी जिंदा होते थे और जो बीमार थे वो शिफा भी पाते थे। लेकिन जब आज वो इस बाला खाना में नजर आ रहे हैं, वो यहाँ खौफ की वजह से बंद है। लेकिन यीशु जब इनमें आए हैं और आकर उसने एक ही अल्फाज बोला कि तुम्हें सलामती हासिल हो, वो शायद इस खौफ में सलामती ही भूल गए कि उनमें अमन की भी जरूरत है। जब यीशु ने उन्हें सलामती का पैगाम दिया तो आज की इंजील मुकद्दस को हम चार नुकात में सीखने की कोशिश करेंगे। पहला कि जब यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को सलाम करने के बाद उन पर फूंका और उन्हें कहा कि तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए जाएंगे और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रहेंगे। अब जब ये इस यीशु के उन पर फूंकने की जो एक रस्म है या उनका एक जेस्चर ऐसा है जो हमें दिखने में एक बड़ा मामूली सा लग रहा है, लेकिन तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब खुदा ने दुनिया को खल्क किया तो इंसान को जब बनाया तो उसमें उसने जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। पहले इंसान की कोई पहचान नहीं थी, दुनियावी तौर पे वो शायद एक पसे मंजर पर देखा जाने वाला शख्स था, लेकिन जब खुदा ने उसमें अपनी जिंदगी का दम फूंका तो उसे नई जिंदगी मिली। और आज एक बार फिर यीशु ने अपने शागिर्दों पर फूंका ताकि वो भी नई जिंदगी हासिल करके एक जलाल के साथ दुनिया में जाहिर हो सके। फिर यहां पर एक दूसरा किरदार मुकद्दस तोमा का रवैया, तोमा का किरदार हमें बहुत दफा मनफी नजर आता है कि तोमा ने जो किरदार अदा किया है यीशु की मौजूदगी पर, यीशु के जी उठने पर और उसको पहचानने के लिए जो उसने शक अपना पेश किया है, लेकिन कलीसिया इसे मुस्बत तौर पर बयान करती है। एक किताब गुमनाम शख्सियत के नाम से ही जानी जाती है, इसके लिखारी फादर मैनुअल आसी हैं। तो जब इस किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर तोमा का एक किरदार हमें नजर आता है जहाँ पर उसने वो पांच जख्म जो यीशु को दिए गए उनमें जो मेखों का इस्तेमाल किया गया, इस तोमा ने उनको संभाल लिया था। जैसे ही यीशु को उसकी लाश से उतारा गया है, भेजा गया है, कब्र में रखा गया है, तो इस शख्स ने पीछे यही काम किया है, उसने उन मेखों को संभाला
ताकि बाद में खुदा का जलाल जाहिर हो सके। अब उसे उस वक्त शायद ना पता हो कि मैंने बाद में ये काम करना है, लेकिन उसने उस वक्त इन मेखों को संभाल लिया। और संभालने के बाद आज जब इसकी तस्दीक सामने आती है तो कलीसिया हमें तोमा के जरिए ही बताती है कि यीशु के पांच जख्मों की पहचान उन मेखों से नजर आती है जो यीशु के हाथों पे और पांव में कील लगाए गए थे। और ये इस बात की शहादत है कि यीशु जिस्म समेत मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी जो शहादत हमें नजर आती है कि यीशु सिर्फ दुनियावी तौर पे नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी जी उठा है। इसलिए जब यीशु दोबारा तोमा पर भी जाहिर होता है शागिर्दों के साथ, तो यीशु ने दूसरे शागिर्दों को नहीं कहा, दूसरों से मुखातिब भी नहीं हुआ, उसने सिर्फ तोमा से कहा कि तोमा मेरे पास आ और इन जख्मों को देख ले। किसी और शागिर्द को भी कह सकता था, लेकिन शायद तोमा इस शक में था और उसी शक की वजह से तोमा नुमाया तौर पर नजर आता है। फिर जो तीसरी बात उसकी हमें बहुत अहसन तौर पर नजर आती है कि तोमा की वजह से ही हमें इस हकीकत का पता चलता है कि जो कब्र खाली थी, जो कतानी कपड़ा वहां पर मिला और उसके बाद जो मुनादी की गई कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तोमा के जरिए ही इस हकीकत की पहचान होती है। और आखिरी बात कि जो यीशु के जख्म हैं उन बेखों की वजह से ही उन जख्मों की पहचान होती है। इसलिए यीशु से कहता है कि तोमा मेरी पसली में हाथ डाल कर दे, गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन, गैर ईमान वाला नहीं बल्कि ईमान वाला बन, मजबूत ईमान वाला बन, क्योंकि तेरे बाद ही यहाँ दुनिया में जलाल जाहिर होगा। तोबा ने जब ये किरदार अपना जाहिर किया है तो उसके बाद जो एक और हमें एक मंजर नज़र आता है शागिर्दों की, रसूलों की एक जगह पर इकट्ठे होकर दुआ करना लेकिन खौफ की हालत में। और इस मोमने इंसान को खौफ तभी आता है जब खुदा उसके साथ नहीं। इंसान खौफ में तभी जाता है जब वो यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह कम देना शुरू करता है। इसीलिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि जहाँ पर सच्चाई नहीं वहाँ पर शैतान है, जहाँ पर अच्छाई के काम नहीं है वहाँ पर भी शैतान के काम होते हैं। और जब मेरे जहन में, मेरे ख्याल में, मेरे दिल में खौफ खुदा नहीं है तो तब मेरी ज़िंदगी में कोई जलाल भी जाहिर नहीं हो सकता। आज यीशु ने अपने शागिर्दों का खौफ खत्म किया है, लेकिन इस बात को हमने भी सीखना है कि क्या हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का खौफ है। हम शायद दुनियादारी में रहते हुए, अपने वालदैन के साथ रहते हुए ये समझते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, जो दुनियावी तौर पर हमारे साथ हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वफादारी के अंसर से शायद गाफिल हो जाते हैं। और शायद हम समझते हैं कि हमारे घर वालों को नहीं पता, लेकिन जो पोशीदगी में देखता है वो उसका अजर भी देता है, जो पोशीदगी में देखता है वो इंसानों के करदार को भी जानता है। शायद मैं यहाँ पर रहते हुए सबकी आंखों में धूल झोंक सकता हूँ, लेकिन जो देख रहा है उसकी आंखों में तो बहुत मुश्किल है। और ये खौफ हमारा है, खुदा का खौफ नहीं है। खुदा ने तो हमें खौफ में रखा ही नहीं है, उसने तो आते ही कहा तुम्हें सलामती हासिल हो, वो जाते हुए भी कहकर गया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, वो जाते हुए भी कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। आज भी उसने रूह कुदस भेजा है, रूह कुदस फूंका है ताकि हम नई जिंदगी पा सकें, हम भी अपने आस पड़ोस में रहने वालों को माफ़ कर सकें। अगर आज भी हम में उस रूह कुदस की पहचान नहीं होती तो जिस मोमिन तोमा के आखिरी अल्फाज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते कि तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। वो तो तब होगा जब मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और जील नवीस ने देखे आखिर में बड़े वाजह तौर पर बयान किया है, कह तोमा ये इसलिए हुआ कि तू देख सके कि ईमान लाया है, अब मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। तोमा ने तो देखा है, हमने तो देखा भी नहीं है, और हम मुबारक ठहराए गए हैं
कि हमने खुदा को देखे बगैर ईमान लाए, और ईमान उसी के पास है जिसने मसीह में इस्तबाक पाया है, और जितनों ने मसीह में इस्तबाक पाया है उन्होंने खुदा में जलाल पाया है। और ये जलाल तब ही जाहिर होगा जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आए जब यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हो सकता है तो वो हमारे ख़ानदानों पर भी जाहिर होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदा को जगह कब दी। आज हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा से इल्तिजा करें। ऐ कादरे मुतलक खुदा, बख्श दे कि पास्का की ईद के मौका पर जो पाक सैक्रामेंट हमने लिया है वो पहम हमारे अंदर कायम रहे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। और कादरे मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र है।